नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। कहा वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी, उन्होंने दावा किया मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया वो असली, बड़ी वानखेड़े की मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगा टीकाकरण, याचिकाकर्ताओं पर ठोका 50,000 का जुर्माना, कहा लोगों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। सीसीएमबी के पूर्व निदेशक राकेश मिश्रा का बड़ा बयान, कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के सब लिनिएज AY4 की संक्रामक दर डेल्टा से अधिक होने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 लोग AY4 से संक्रमित पाए गए हैं। भारत से विदा हुआ दक्षिण पश्चिमी मानसून, 1975 के बाद 7वीं बार सर्वाधिक विलंब से हुई विदाई, यह लगातार 3रा वर्ष है जब देश में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। 2019 और 2020 में भी बारिश सामान्य से अधिक रही। उत्तराखंड के सुंदरडुंगा ग्लेशियर में दिखे 5 पर्यटकों के शव, शवों को निकालने के लिए सुंदरडुंगा ग्लेशियर के देवी कुंड में नागकुंड और भनार पहुंची टीम, बर्फबारी से रेस्क्यू प्रभावित। सूडान में तख्ता पलट, प्रधानमंत्री गिरफ्तार, सेना ने भीड़ पर चलाई गोलियां, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, 80 लोग घायल। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने तख्ता पलट की निंदा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निशाने पर मोदी सरकार, कहा कुत्ते की मौत पर शोक, किसानों की मौत पर कोई ध्यान नहीं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, एम्स में कराया भर्ती, उनके ब्लड सैंपल को लेकर जांच की गई थी जिसमें मलेरिया होने की पुष्टि हुई। दिल्ली में इस साल डेंगू के 1,000 से अधिक मामले आए सामने, एक की मौत, इनमें से 280 से अधिक नए मामले पिछले एक हफ्ते में आए। डेंगू मच्छर का लार्वा साफ ठहरे पानी में पनपता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा कैंप में जवानों के साथ बिताई रात, सुबह पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF के बहादुर जवानों को दी श्रद्धांजलि। ये तो फटाफट बुलेटिन, और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।